खबर है चौरी चौरा तहसील क्षेत्र से, जहां के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कथित बायोपिक जिला गोरखपुर के पोस्टर को लेकर बीते 29 जुलाई को इसका विरोध किया था। फिल्म के डायरेक्टर विनोद तिवारी पर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं का कहना है कि फिल्म हिंदू धर्म को आहत पहुंचा रही है, जो कि नहीं होना चाहिए और ये प्रदेश के लिए काफी अपमानजनक भी है। फिल्म के पोस्टर रिलीज होने के बाद से ही लोगों के जबरदस्त रिएक्शन आने शुरू हो गए और पहले पोस्टर के रिलीज होते ही ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी कि जिला गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की बायोपिक है। आपको बता दें कि इस पोस्टर में भगवा रंग की पोशाक पहने एक आदमी है जो बंदूक लिए सूर्य से नजरें मिलाते हुए खड़ा है। साथ ही पास में एक बछड़े को भी दिखाया गया है, जिसको देख के ये साफ लगता है कि ये योगी जी ही हैं। फिल्म के निर्माता निर्देशक विनोद तिवारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है, समस्त देशवासियों को मैं ये सूचित करता हूं कि मेरी फिल्म जिला गोरखपुर की घोषणा के तुरंत बाद जनसाधारण के द्वारा सोशल मीडिया में दी गई समीक्षा से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके बारे में स्वतः विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, किंतु इन कयासों और दुष्प्रचारों से जनसाधारण की भावनाएं अवश्य आहत हो रही हैं। चूंकि मेरा उद्देश्य ना तो किसी की भावनाओं को आहत करना है, ना ही समाज में किसी प्रकार का विद्वेष फैलाना है, अतः देश तथा समाज के हित में इस प्रोजेक्ट को मैं बंद करने जा रहा हूं। साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि प्रदेश के मुखिया का किरदार निभाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही क्यों चुना गया, किसी और को क्यों नहीं। जो जिला गोरखपुर पीछे पिस्टल दिखाया, पीछे उनके हाथों में पिस्टल दिखाया जा रहा है, जो हमारे साधु संत महात्माओं पर एक घोर निंदा। और कार्यकर्ता साधु शरण सिंह का तो ये भी कहना है कि फिल्म इंडस्ट्रीज दूसरे समुदाय के लोगों पर फिल्म क्यों नहीं बनाती है, हमेशा ही हिंदू धर्म को आहत पहुंचाने के लिए ऐसी फिल्मों का निर्माण होता रहता है, लेकिन अब इस पर रोक लगाने का समय आ गया है। जिला गोरखपुर एक फिल्म कोई जगह जगह पोस्टर लगाए हैं गोरखपुर में, और उसमें जो है एक भगवाधारी सन्यासी को दिखा के उसके हाथ में पिस्टल दे दिए हैं। तो क्या भगवाधारी लोग यही करते हैं? जो डाकू है, बदमाश है, उनका फोटो वगैरह दिखा के जो सच्चे लोग समाज के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनके हाथ में पिस्टल दिखाया जा रहा है। इसको खाली हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। बहरहाल जो भी हो, बीते दिनों हुए प्रदर्शन और लोगों की प्रतिक्रिया की वजह से फिल्म अब खटाई में पड़ चुकी है। आप देख रहे हैं CN24।